कर्बला के मैदान में दो तरह के ग्रोथ है, लेकिन कभी हम गलतफहमी का शिकार ना होइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जो लोग थे वो भी कूफे के लोग थे, सब उमर साहब की तरफ जो लोग थे वो भी कूफे के थे, ज्यादातर लोग। फर्क है लेकिन दोनों, वो भी लोग नमाजें पढ़ रहे थे, ये भी नमाजें पढ़ रहे थे, वो भी रातों को खुदा का जिक्र कर रहे थे, ये भी बातें कर रहे थे। उनमें भी ज्यादातर लोग हाफिज़े कुरान थे। हाफिज़े कुरान बहुत बड़ी अजमत है। अगर एक हाफिज हो जाए किसी खानदान में तो रवायतों में है कि 70 नस्लों को वो माफ करा देता है, लेकिन बाप मोहब्बत हाफिज कुरान उधर भी थे, इधर भी हाफिज कुरान, लेकिन फर्क क्या था लोगों? मुझे बस फर्क इतना नजर आया कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान कर्बला में तशरीफ लाते हैं, कारजा में तशरीफ लाते हैं, समझाते सब क्या उन लोगों को मालूम नहीं था कि इमाम हुसैन, सबको मालूम था नबी की नवासी है, जनाब फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, मौला अली मुर्तज़ा के फर्जंद हैं, सबको मालूम था इमाम हुसैन के भाई, सब जानते थे, सब पहचानते थे, हदीसों से शुक्र इलाही नहीं, कुफ्रान नेमत। लेकिन हुआ क्या? मौला फरमाता शायद असली वजह थी इमाम हुसैन का कि तुम्हारे पेट हराम गजाओं से भरे, लिहाजा तुम इमाम की बातों पर गौर व फिक्र नहीं कर सकते। देख तो रहे हो जाहिर के इमाम को, सुन तो रहे हो इमाम के कलिमात को और इमाम की शिकायत को, उनके फरमुदार को, लेकिन तुम समझ नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते, उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम गजाओं से भरे। दोनों इतना फर्क, एक ही दिन में फैसला हो गया कौन जन्नत में जाएगा कौन जाएगा, एक ही दिन में फैसला हो गया कि किसे जन्नत का इंतजार है और कौन जन्नत छोड़ना चाहता है। यूं नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जो लोग मौजूद थे उनको इमाम ने जन्नत दिखाया, जरूर दिखाया, जन्नत के मुश्ताक थे, वो चाहते थे जल्दी से हमारी शहादत हो, हम जल्दी से जन्नत में जाते चले, आपने जो मकान दिखाया वहां पर पहुंचे। लेकिन उधर के लोग भी जानते थे, पहचानते थे चीजों को, जानबूझ कर हमारे साथ का जुमला तारीखी जुमला हर एक इंसान नकल करता है, उसे तमाम तारीखों में तशरीह और उसकी सबने नकल किया, मारूफ जुमला हुसैन, ये जन्नत तो बात की चीज है, जन्नत को किसने देखा है, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, मुझे राइट तो मैं अभी देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि जन्नत पहचानता नहीं था, लेकिन मारिफत नहीं थी, लिहाजा जब मारिफत नहीं मिले ऐसी सामने रहा तो लोग पर टिका नहीं रहा, फिर सारे जहरा के खून को बहा नहीं, पैसा पैसा आशूर। हाँ ज़ादारो, एक जुमला कहूँ, आपने आपको मुहर्रम से लेकर दम मुहर्रम तक मौला मोहम्मद साहब को सुना, हाँ कितनी बेबसी, कितनी ऐसी गुर्बत का आलम अपना सफर, हाँ करबला का वजीफा, जिम्मेदारी जो थी वो सही की जिम्मेदारी थी, हाँ तस्वीर मुहर्रम के बाद अब जो जिम्मेदारी है वो जैनब की, काम वही है इस्लाम को फैलाना, शख्सियत बदल गई, अभी तक हुसैन उस काम को अंजाम दे रहे थे, उस पैगाम को पहुंचा, लेकिन अब किसी पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। हाँ दिल करता है कहूं एक सलाम को हुसैन भी कर में वही सलाम की जो सैयद सज्जाद ने अपने आखिर कहा था कि जब हुसैन के सर को देखा मेरे पर एक मतलब सैयद सज्जाद लहू से एक आवाज बंद हुई, अस्सलाम अलैहि।
دوں